हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम, ऑल माय डॉक्टर्स जबरदस्त। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सो यू हैव टू बियर विद मी अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से ना बोल पाऊँ। राइट गाइस, ऑल सेट, करें जी शुरू फिर? ओके ग्रेट। वेल, जर्नल सी बातें जो हम हमेशा करते हैं। आप जो लोग पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, टेलीग्राम ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए अपने सेलफोन पे। स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं, देखिए। यू हैव टू सर्च फॉर UnAcademy लर्निंग ऐप, यू हैव टू इंस्टॉल द ऐप। जहां जहां एरो ब्लिंक हो रहे हैं उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। राइट, ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस पे जाना है। एरो देखिए इधर, PLUS प्लस। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। प्री मेडिकल नीट एंड एम्स एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं एंड आप कोड अप्लाई करते हैं, दिस इज द कोड नीट लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा इसमें। राइट गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप 12 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए, बिकॉज उसमें आपको फायदा रहेगा और एक लंबे समय तक आप हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। टेलीग्राम ऐप बहुत जरूरी है ताकि आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरियोसिटीज मुझसे पूछ सकें। प्लस के सब्सक्रिप्शन के जो एडिशनल फायदे हैं वो आपको लिंक में मिल जाएंगे। राइट जी, बढ़े आ गए, ग्रेट। इजाजत है आपकी, ओके चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन के साथ। पढ़िए जरा, कितनी मजेदार बात लिखी हुई है। द एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। आज जो भी अपने फील्ड में किसी ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं, कभी ना कभी तो कोई शुरुआत उन्होंने करी होगी, बिगिनिंग कहीं से तो होगी। तो इसी अच्छी शुरुआत के साथ, एक पॉजिटिव माइंड के साथ, फुल ऑफ एनर्जी हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। राइट गाइज, हर क्लास में एक कोटेशन मैं आपको जरूर बताऊंगा और मैं ये चाहूंगा कि आप सिंसियरली उस चीज को फॉलो करें। सिर्फ लिखी हुई लाइनें मत समझिए, इन्हें इनका मतलब समझिए। राइट, ओके जी। वाह, हमारी लास्ट क्लास में हमने टिश्यूज शुरू करा था, एनिमल टिश्यूज का चैप्टर हमने शुरू करा था। एनसीईआरटी में ये चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के नाम से है। मैंने आपको 4 तरह के टिश्यूज बताए थे, याद है जी आपको? एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर। जिसमें से मैंने बताया था न्यूरल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू एक्साइटेबल टिश्यूज होते हैं। न्यूरल टिश्यू हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था लास्ट क्लास में, कुछ मैंने आपको न्यूरोग्लायल सेल्स भी बताए थे। एक क्विक रीकैप हम इस चीज का ले लेंगे, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा न्यूरॉन्स के बारे में। और उसके बाद हम जाएंगे मस्कुलर टिश्यू पे। 3 तरह के मसल्स भी हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं 3 तरह के मसल्स? स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। राइट जी, सब लोग जुड़े हुए हैं एकदम फुल एनर्जी के साथ, ग्रेट। डॉक्टर देव पांडे, डॉक्टर देवांशु, डॉक्टर वरद, डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर अनुभा, लॉट मैनी डॉक्टर्स आई हैव। डॉक्टर बनना है, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है और अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे, अपनी हिम्मत से बनना है। ग्रेट, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखिए बेटा जी। एक टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन आपके सामने है, जिसमें आप देख पा रहे हैं न्यूरॉन का सेल बॉडी और ये जो एक्सटेंशन निकल रही है इससे, दे आर कॉल्ड व्हाट? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है। एक न्यूरॉन कैन फॉर्म साइनेप्स विद लॉट मेनी अदर न्यूरॉन्स। दिस लॉन्ग एक्सटेंशन इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सॉन। दीज आर द टर्मिनल एंडिंग्स ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन टर्मिनल बटन लिखा है आपके सामने। न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमा। इट हैज न्यूक्लियस ऑल्सो। राइट, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। Well, this is about the cell body. न्यूरॉन का सेल बॉडी आपको एनलार्ज्ड व्यू में दिखाया गया है। क्लियर गाइस? न्यूक्लियस आप देख सकते हैं। टिपिकल सेल ऑर्गेनेलिस जो एक न्यूरॉन में होती हैं, देयर आर माइटोकॉन्ड्रिया, देयर माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइसोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक खास चीज मैंने आपको बताई थी, न्यूरॉन की सेल बॉडी में एक खास तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं। आप लोग बता सकते हैं कौन कौन से ग्रेन्यूल्स हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस फॉर द हार्ट्स, ग्रेट। मुझे जल्दी से बताइए, न्यूरॉन के सेल बॉडी में मैंने आपको खास तरह के ग्रेन्यूल्स बताए थे। कम ऑन क्विकली, मुझे आंसर चाहिए इस चीज का। वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर निधि। हाँ जी, आंसर बताइए जल्दी से। न्यूरॉन के सेल बॉडी में खास तरह के ग्रेन्यूल्स मैंने आपको बताए थे, दे आर कॉल्ड व्हाट? जल्दी जल्दी, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊंगा। ग्रेट, दीपांशु हैज आंसर्ड निसल्स ग्रेन्यूल्स। आकाश इज ऑल्सो गिविंग द राइट आंसर। तानुश्री, ग्रेट, ओके चलिए। सो नेक्स्ट देखिए, दैट इज निसल्स ग्रेन्यूल्स। ऑल्सो कॉल्ड टाइग्रॉइड बॉडीज। लास्ट क्लास में ये नाम हमने नहीं लिखा था, सो प्लीज नोट कर लीजिए, निसल्स ग्रेन्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड टाइग्रॉइड बॉडीज। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स इन द मेशवर्क ऑफ न्यूरोफिलामेंट्स। निसल्स ग्रेन्यूल्स किस चीज से बने होते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, आरएनए पार्टिकल्स, राइट? व्हाट आर निसल्स ग्रेन्यूल्स मेड अप ऑफ? दे आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। लिख देते हैं यहां पे जी, निसल्स ग्रेन्यूल्स आर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स concerned with synthesis of enzymes which are involved in the formation of neurotransmitters। आप लोगों ने मुझे लास्ट क्लास में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम भी बताए थे, एसिटाइलकोलिन है एक न्यूरोट्रांसमीटर, इसके अलावा और भी कई न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, राइट गाइस? तो न्यूरॉन की सेल बॉडी में याद क्या रखना था? निसल्स ग्रेन्यूल्स। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर आपको बताया था। ग्रे मैटर किस कारण से होता है? द निसल्स ग्रेन्यूल्स गिव ग्रे शेड। जब हम नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर की बात करते हैं, सो दैट इज रेफरिंग टू द सेल बॉडीज, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, दैट इज व्हाट इज ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में ग्रे मैटर का और व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट अलग होता है। व्हाइट मैटर किस कारण से है? लास्ट क्लास में बताया था आपको, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जिसे शॉन सेल्स बनाते हैं, जो कि लिपिड से बनी होती है, वो व्हाइट शेड देती है। सो ब्रेन में अगर आप सेक्शन काटेंगे और स्पाइनल कॉर्ड में सेक्शन काटेंगे तो ग्रे और व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट आपको उल्टा नजर आएगा। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? ग्रे मैटर इज इनसाइड, व्हाइट मैटर इज आउटसाइड। ब्रेन के केस में व्हाइट मैटर इज इनसाइड एंड ग्रे मैटर इज आउटसाइड, राइट? निसल्स ग्रेन्यूल्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वी हैव एक्सॉन। एक्सॉन को थोड़ा एक एनलार्ज्ड व्यू में दिखाया है। ये वाले सेल्स हमें याद रखने हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। शॉन सेल्स, शॉन सेल्स का काम क्या था? इंपल्स, सॉरी, शॉन सेल का काम क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ, इंपल्स ट्रांसमिशन एक्सॉन का काम है। शॉन सेल्स और द न्यूरोलेमोसाइट्स, दे फॉर्म माइलिन शीथ। यहां पे हम एक्सॉन के फंक्शंस देख लेते हैं। आप इधर देखिए स्लाइड में, What are the functions of axon? Number 1, impulse transmission. Number 2, transportation of substances. ये वाली चीज हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ी थी। Axons जो है वो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। कौन सी चीजों का? दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन है बेटा, एंटीरोग्रेड, रेट्रोग्रेड। अगर आपका नोट्स कॉपी आपके पास है तो बेशक आप ये चीज नोट कर लीजिए, अदरवाइज आपको ये स्लाइड पीडीएफ के फॉर्म में मिल भी जाएगा। एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन। Anterograde is from the cell body to the axon endings, proteins and enzymes, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। From the cell body towards the axon endings it is anterograde। जो चीजें cell body में बनती हैं वो axon ending तक पहुंचाई जाती हैं। और यहां पे important बात है रेबीज वायरस। आपने रेबीज के बारे में सुना होगा। रैबिड एनिमल के सलाइवा में रेबीज वायरस पाया जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ डॉग के, रैबिड डॉग के काटने से ही हो रेबीज। द लॉट मैन एनिमल्स विच हैव दिस वायरस, राइट? इट कैन बी स्क्विरल ऑल्सो, इट कैन बी हॉर्स ऑल्सो, वोल्व्स, जैकल्स, लॉट मैनी एनिमल्स, राइट? सो दिस रेबीज वायरस, इट फॉलोज द रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन। जहां पे एनिमल ने बाइट करा है, सलाइवा के थ्रू वायरस चला गया हमारी बॉडी में, न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल करता हुआ वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा। सो ये बात ध्यान रखने वाली है। यहां पे एम्स के हिसाब से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है चीजें। फिर से बताना चाहूंगा, हमें सब्जेक्ट की पेरीफेरी में थोड़ा थोड़ा जरूर जाना है, बिकॉज हमें डॉक्टर बनना है, तो जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट हैं उन्हें हमें थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी होता है। अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखना जरूरी है। सिर्फ इतना भी मत सोचिए आप कि भाई एक एक लाइन हमें एज इट इज वही पढ़नी है जो वहां लिखी है, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा डिटेल में उसे जानना जरूरी है। एक मजबूत नींव होगी तो एक मजबूत इमारत बनेगी, राइट? एक्सॉन के फंक्शंस क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ रहा हूं जी मैं। नेक्स्ट इज अबाउट ग्लियल सेल्स। मैंने आपको बताया था नर्वस टिश्यू में सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं होते, न्यूरॉन्स के अलावा और भी कई तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं। न्यूरोग्लायल सेल्स या सिंपली ग्लायल सेल्स इंपल्सेस कैरी नहीं करते हैं। देखते हैं जी कौन कौन लोग हैं मैसेजेस दे रहे हैं। कुलदीप जी आपका नाम मुझे हर बार दिख जाता है सामने। हेलो कुलदीप, पीपल आर सेंडिंग मी हार्ट। हेलो सौरभ, हेलो डॉक्टर सभा, Dr. Komal is there and Surbhi, Samantha. Hello Samantha, please don't get disheartened. Sometimes I find that you people start fighting among yourself. ऐसा मत कीजिए, इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कीजिए। It really hurts me. जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप सब लोगों के चैट्स भी पढ़ता हूँ and sometimes the messages are really disturbing. I request you, please do not do that. अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं लिख सकते ना तो आपस में गलत बातें भी मत लिखिए। इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए, ये आपके फायदे के लिए है। कितना फायदा आपको इस चीज से हो रहा है शायद आपको अभी उसका अंदाजा नहीं है। सूनर और लेटर यू विल रियलाइज इट। ओके, ग्लायल सेल्स की बात करते हैं। न्यूरोग्लायल सेल्स और सिंपली ग्लायल सेल्स, इनका काम क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पे, न्यूरोग्लायल सेल्स आर फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, दे आर फॉर प्रोटेक्शन, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन्स। कुछ न्यूरोग्लायल सेल्स आपको ऐसे बताए थे जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाते हैं। आपके सामने जो न्यूरोग्लायल सेल्स लिखे हैं मैं उनके नाम बोलने जा रहा हूं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, इपेंडाइमल सेल्स, शॉन सेल्स, जिसमें से शॉन सेल्स तो आप अच्छे से जान गए जिनका काम है माइलिन शीथ बनाना। मैंने आपको बताया था कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक कंडीशंस के टाइम पे ही शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यू रहता है। आज हम डायग्रामेटिकली भी चीज देखेंगे कि कैसे माइलिन शीथ बनती है न्यूरॉन्स के चारों तरफ। ओके जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। वेल, शॉन सेल्स और द न्यूरोलेमोसाइट्स। शॉन सेल्स, दूसरा नाम ध्यान रखना है, दैट इज न्यूरोलेमोसाइट्स। ये देखिए एक शॉन सेल को यहां पे एनलार्ज्ड व्यू में दिखाया गया है। ये जो अंदर ब्राउन कलर से आपको चीज दिख रही है ना बेटा, ये है एक्सॉन। शॉन सेल उसके चारों तरफ लिपटते जाते हैं कॉन्टिन्यूसली, दे कीप ऑन फॉर्मिंग लेयर्स एंड लेयर्स अराउंड द एक्सॉन एंड दोज रिपीटेड लेयर्स are what are called myelin. Myelin sheath lipid से बनी होती है। Now when the Schwann cell is enveloping around the axon repeatedly, the nucleus and the other organelles are pushed towards the periphery. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला चीज जो लेबल्ड है, लेबल कर रहा हूं आपके लिए, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ द शॉन सेल। न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ खिसक जाता है। शॉन सेल की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को न्यूरीलेमा कहते हैं और द शीथ ऑफ शॉन सेल। मैं शॉन सेल्स के बारे में जो पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए पढ़ देता हूं। फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड न्यूरॉन्स ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं। Clear? Myelin sheath is also called medullary sheath. What is the other name for myelin sheath? Medullary sheath. And it is made up of what? Lipids. And what is the function? Insulation. Neurons are carrying electrical signals. They should be well protected. They should be insulated from the surrounding environment. So that's why we need to have an insulating layer that is formed by Schwann cells. Gap between the adjacent Schwann cells is called what? Node of Ranvier. Roughly आपके सामने बना के दिखाता हूं। This is one axon और इसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं। So this is one Schwann cell, this is another Schwann cell। ये हमें कट व्यू दिखा रहे हैं, राइट बेटा? और यहां पे ये है माइलिन शीथ जो कि Schwann cell ने बनाया है और एडजेसेंट शॉन सेल्स के बीच में जो गैप है, दैट गैप इज व्हाट इज नोड ऑफ रेनवियर। और एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, दैट इज एक्सोप्लाज्म। जिन न्यूरॉन्स पे माइलिन शीथ होती है दे आर कॉल्ड व्हाट? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और मेडुलेटेड न्यूरॉन्स। जिन पे माइलिन शीथ नहीं होती दे आर कॉल्ड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स और द नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन्स। एक छोटा सा सवाल यहीं पे, इंपल्स किस में ज्यादा तेजी से चलेगी? इंपल्स ट्रेवल्स फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। लेट मी क्विकली हैव अ लुक एट योर चैट। हां जी बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। इंपल्स ट्रेवल्स फास्टर इन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। समंथा प्लीज आंसर द क्वेश्चन। Dr. Samiran is also there. impulse travels faster in myelinated neurons और unmyelinated neurons. कहाँ पे तेजी से चलेगी impulse? Ikra Khan is writing for the exoplasm. Yes, you are right. The cytoplasm is what is called exoplasm. Okay, someone is saying non-myelinated, someone is saying myelinated. Majority of the responses are for myelinated. Yes, you are right. When the myelin sheath is present, the impulse appears to jump from one node of Ranvier to another. Actually, it is not jumping. We call it jumping. We'll understand it in detail when we'll discuss the mechanism of impulse transmission in the chapter Neural Control and Coordination. तो इस तरह के impulse conduction को ना हम saltatory conduction कह देते हैं. Saltation का मतलब है jump. This is saltatory conduction. ओके, Schwann cell का मतलब हम यहां पे समझ गए, हम नोड ऑफ रेनवियर भी समझ गए. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. हां जी, इसमें आप देख सकते हैं माइलिन शीथ कैसे बन रही है. ये एक सेक्शनल व्यू में दिखाया गया है एक्सॉन. आपको मैंने कहा ना, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ रैपिंग. Schwann cell कीप ऑन फॉर्मिंग लेयर्स एंड लेयर्स अराउंड द एक्सॉन. सो ये देखिए लेयर्स एंड लेयर्स जब इसके चारों तरफ एनवेलप हो जाते हैं. सो ये वाली जो चीज है ना, ये दिस इज व्हाट इज माइलिन. तो मैं लेबल कर रहा हूं बेटा आपके लिए, दिस इज माइलिन शीथ. और Schwann सेल की सबसे बाहर वाली जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं न्यूरीलेमा. ये है Schwann सेल का न्यूक्लियस. आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि Schwann सेल कैसे लिपटते जाते हैं एक्सॉन के चारों तरफ. एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ये शुरू होता है, प्यूबर्टी तक ये होता रहता है. हम कहते हैं ना एडोलेसेंस और द टीनेजर्स हैव वेरी क्विक रिस्पॉन्सेस, क्योंकि माइलिनेशन तब तक कॉन्टिन्यूड रहता है. क्लियर? सो देखते हैं जी क्या लिखा है यहां पे. नर्व न्यूरॉन्स हैविंग माइलिन शीथ आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. Nerve impulse travels faster in myelinated neurons and it is called saltatory conduction. एक बात और याद रखिएगा, जो न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ नहीं है they have Schwann cells. प्लीज इसको नोट कर लीजिए. Those neurons which do not have myelin sheath, they have Schwann cells. The only thing is that their Schwann cells are not forming the myelin sheath. So please remember, Schwann cells are present in unmyelinated neurons also. The only difference is that they are not forming the myelin sheath. Right? Clear? आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. न्यूरोग्लायल सेल्स की बात हम कर रहे थे. आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एस्ट्रोसाइट्स के बारे में. एनसीईआरटी में ये नाम मेंशन नहीं है, लेकिन लगभग 3 साल पहले का पेपर उठा करके देखिएगा आप नीट का, क्वेश्चन ये नाम आए हुए हैं एस्ट्रोसाइट्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. तो ये आपके लिए जानना जरूरी है, डरना नहीं है इनसे. आप में से कई बच्चे पूछ रहे थे सर टेक्निकल नेम है याद नहीं होते. अरे कैसे याद नहीं होते, याद करने की कोशिश तो कीजिए. आप 4 बार कॉपी पे लिखिए एस्ट्रोसाइट एस्ट्रोसाइट एस्ट्रोसाइट. कैसे नहीं याद होगा वो? बिल्कुल याद होगा आपको. आप अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि ह्यूमन बॉडी इज द परफेक्ट मशीन. प्रॉब्लम सिर्फ ये है इसका यूजर मैनुअल नहीं है आपके पास. कोई भी गैजेट आप खरीदते हैं, यू गेट अ यूजर मैनुअल अलॉन्ग विद दैट गैजेट. द ओनली प्रॉब्लम इज कि गॉड ने हमें वो यूजर मैनुअल नहीं दिया है. सो थ्रू आउट लाइफ वी कीप स्ट्रगलिंग इन जस्ट नोइंग दैट हाउ टू यूज द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हाउ टू यूज योर ब्रेन टू द फुल कैपेसिटी. सो प्लीज इन लेक्चर्स में आपको ये भी समझाऊंगा मैं, बस ध्यान देना जरूरी है, फोकस्ड रहना जरूरी है. तो आपको ये नाम याद होंगे, टेक्निकल नाम है. 4 बार 5 बार 6 बार रफ कॉपी में लिखिए. फ्रेंड सर्कल में आपस में डिस्कस कीजिए. हैव गुड कंपनी अराउंड यू, हैव कंपनी ऑफ गुड पीपल, पॉजिटिव एनर्जी पीपल. यू विल डेफिनेटली गेट पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम देम. इन अच्छी चीजों को डिस्कस कीजिए, आलतू फालतू की चैट मत कीजिए. राइट गाइस, एस्ट्रोसाइट्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. व्हिच आर द लार्जेस्ट न्यूरोग्लायल सेल्स? एस्ट्रोसाइट्स. Which are the most numerous? Astrocytes. Astro is referring to stars, so they are star-shaped and they are forming what? Blood-brain barrier. Blood-brain barrier वाली बात important है. वो क्यों? Your neurons are very sensitive to external environment. न्यूरॉन्स रीजनरेट भी नहीं करते हैं, बहुत लिमिटेड एबिलिटी है. न्यूरॉन्स अगर डेड हो गए तो न्यूरॉन्स डिवाइड भी नहीं कर सकते. इफ दे आर डेड दे आर गॉन. न्यूरॉन्स का नंबर फिक्स रहता है. दे कैन डिक्रीज बट दे कैन नॉट इंक्रीज इन नंबर. सो इसलिए बड़ा जरूरी है कि न्यूरॉन्स तक वट एवर सब्सटेंस हैज टू कम आउट ऑफ ब्लड, दैट शुड बी थ्रू दी एस्ट्रोसाइट. Astrocytes, they surround the capillaries which are supplying blood to the brain. So this is a blood vessel, this is an axon, this is astrocyte. तो astrocyte ये कहता है कि भाई मैं barrier बना के रखूंगा blood के बीच में और neuron के बीच में. Blood में से जो भी चीज निकल के neuron तक पहुंचनी है, it is the astrocyte which decides that. That's why we say that astrocytes form blood ब्रेन बैरियर. कोई भी सब्सटेंस जो ब्लड को क्रॉस करके न्यूरॉन तक जाना चाह रहा है उसे एस्ट्रोसाइट्स को क्रॉस करना होगा. एस्ट्रोसाइट्स ही डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज बाहर आएगी और कौन सी नहीं आएगी. यही कारण है कि कई बार ब्रेन के बहुत से डिसऑर्डर्स का इलाज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज द ड्रग्स और द मेडिसिंस व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड दे कैन नॉट रीच योर न्यूरॉन्स. द एस्ट्रोसाइट्स डू नॉट अलाउ देम टू क्रॉस द बैरियर. क्लियर है बात? राइट गाइस, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है आपको यहां पे आप पूछ सकते हैं. दीपांशु जी कह रहे हैं ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूरोग्लियल सेल्स. यस, ब्रेन ट्यूमर्स का मेन कारण न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, ग्लायोमास. न्यूरॉन्स तो जनरली डिवाइड नहीं करते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था. चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आर डूइंग व्हाट? दे फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये हमें ध्यान रखना है. ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनका माइलिन शीथ बना रहे हैं, राइट? और जो श्वान सेल्स थे वो पेरिफेरल वालों का. तो ये डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना है. और एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट एक समय पे बहुत सारे एक्सॉन्स के चारों तरफ माइलिन शीथ बनाता है. जैसे एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट अगर हम देखें यहां पे, सपोज कीजिए बेटा जी ये एक एक्सॉन है एंड ये एक दूसरा एक्सॉन है. ओके नाउ ये एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट है जिसका ये प्रोसेस इसके चारों तरफ गया और माइलिन शीथ बनाने लगा. ये इसका एक दूसरा प्रोसेस, इस एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ बनाने लगा. सो आप देख सकते हैं एक समय पे दिस वन ऑलिगोडेंड्रोसाइट इज फॉर्मिंग माइलिन शीथ अराउंड टू एक्सॉन्स. श्वान सेल में ऐसा नहीं था, एक एक्सॉन के चारों तरफ बहुत सारे श्वान सेल्स थे. यहां पे उल्टा हो गया, एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट इज फॉर्मिंग माइलिन शीथ अराउंड सो मेनी एक्सॉन्स एट द सेम टाइम. ठीक है जी, डिफरेंस समझ आ गई बात? आगे बढ़े, ग्रेट. एपेंडाइमल सेल्स, ये भी एक तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं. एपेंडाइमल सेल्स क्या कर रहे हैं? देखिए इनमें माइक्रोविलाई भी हैं और इनमें सीलिया भी प्रेजेंट है. किसी ने टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे कि वो कौन से सेल्स हैं जिनके पास माइक्रोविलाई भी हैं और सीलिया भी हैं. सो दे फॉर्म लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ CSF. CSF stands for cerebrospinal fluid. CSF is cerebrospinal fluid, right? हमारे नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लिम्फ नहीं होता. लिम्फ की जगह एक और फ्लूइड है, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इसके बारे में डिटेल में जानेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं हम. माइक्रोग्लियल सेल्स. माइक्रोग्लियल सेल्स आर फेगोसाइटिक. They destroy dead and damaged cells. इन्हें brain macrophages भी कहते हैं. Brain के dead and damaged cells को microglial cells खा जाते हैं, destroy कर देते हैं. Clear है जी? कोई doubt, कुछ पूछना चाहते हैं? रूमी यादव is saying ependymal cells. Correct, मैंने ependymal cells आपको बता दिए हैं. We have nearly 255 people watching. That's great. Please keep sharing this video. And please keep liking also, comments also. आपके कमेंट्स में जरूर पढ़ता हूं, अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो मुझे अच्छे लगते हैं. मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर किसी को जवाब दे सकूं. जिसने भी एफर्ट लगा करके टाइम लगा करके कोई कमेंट करा है, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज एन एजुकेटर मेरा फर्ज बनता है कि आपकी लिखी हुई उस बात को मैं जरूर पढ़ूं, राइट? सो प्लीज आप अपने दिल की फीलिंग्स जरूर शेयर करते रहिए मेरे साथ, अच्छा लगता है, राइट डॉक्टर्स? आगे बढ़े, ओके ग्रेट. चलिए न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग आधार पे। हमने अभी तक न्यूरॉन के बारे में जान लिया, हमने अलग अलग तरह के न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में जान लिया। एक सैटेलाइट सेल्स भी होते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। सैटेलाइट सेल्स दे आर प्रोटेक्टिंग द गैंग्लिया। गैंग्लिया होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इस स्लाइड में आप क्या देख पा रहे हैं, अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। न्यूरॉन्स को हम फंक्शन के आधार पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे यहां पे स्ट्रक्चर के आधार पे किया है। अगली स्लाइड हम देखेंगे, इन दैट वी हैव क्लासिफाइड न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, एसोसिएशन न्यूरॉन्स। तो पहले हम स्ट्रक्चर वाले देख लेते हैं। कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एनेक्सोनिक न्यूरॉन्स या फिर एपोलर न्यूरॉन्स भी कह देते हैं। यहां पे कुछ भी अलग से डिस्टिंग्विश्ड नहीं है, सिंपल ये जो एक्सटेंशंस हैं इन्हें न्यूराइट्स कह देते हैं। दीज आर न्यूराइट्स, लोअर एनिमल्स में है या एम्ब्रियोस ऑफ द वर्टिब्रेट्स में भी है। बाइपोलर न्यूरॉन कैसा होता है? बाइपोलर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी दिख रही है आपको, एक एक्सटेंशन निकला दैट इज डेंड्राइट, दूसरा एक्सटेंशन इज एक्सॉन। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहां पाए जाते हैं? चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज टेल मी वेयर आर बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी? कम ऑन क्विकली। बाइपोलर न्यूरॉन्स, इकरा खान ने सही जवाब दिया है, एपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द अर्ली एम्ब्रियोस। वेरी गुड। इवन इन लोअर एनिमल्स, अगर हम हाइड्रा की बात करें, इन वर्टिब्रेट्स में भी एपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ओके जी, जल्दी प्रियांजलि कश्यप 100% आपका लिखा हुआ आ रहा है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे जानना है बाइपोलर न्यूरॉन्स कहां पाए जाते हैं। कम ऑन क्विकली क्विकली। 251 पीपल वॉचिंग, 300 क्रॉस कराइए, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था ये। हाँ जी, रेटिना सही जवाब आया है, ग्रेट। आई एम फ्लडेड विद आंसर। आई नहीं लिखना है, सिंपली आई लिख देंगे ना तो गलत हो जाएगी बात। आई की स्पेसिफिक लेयर बताइए ना बेटा, रेटिना। रेटिना में जो रॉड्स एंड कोन्स हैं वो भी मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। सो बाइपोलर न्यूरॉन्स के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं रेटिना। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर्स हैं that is rods and cones, they are modified bipolar neurons। और इसके अलावा और कहाँ है bipolar neurons? बता सकते हैं any other example of the bipolar neurons? जो हमारे olfactory receptors हैं nose में for the sense of smell, they are also bipolar neurons। So let me write here, bipolar के नीचे ही olfactory receptors। Olfaction word is related to sense of smell। चलिए नेक्स्ट है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी से एक एक्सटेंशन निकला, जैसे इसको मैं बना के दिखाता हूं, से दिस इज सेल बॉडी, एक एक्सटेंशन निकला वो एक्सॉन में डिवाइड कर गया इस तरह से, राइट। सो दिस इज अ स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर एंड स्यूडो यूनिपोलर में डिफरेंस है। बाइपोलर में डायरेक्टली सेल बॉडी से दो एक्सटेंशंस निकल रही हैं, स्यूडो यूनिपोलर में सेल बॉडी से एक एक्सटेंशन निकला और दो में बाइफिकेट कर गया। दीज आर प्रेजेंट इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वहां पे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी होते हैं, ये सेंसेशंस लेकर के आते हैं। क्लियर? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। लोकेशन ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमसे जनरली ना लोकेशन को लेके पूछा जाता है। एक तरफ जैसे मैच द फॉलोइंग बना दिया, एक कॉलम में हमने लिख दिया न्यूरॉन के स्ट्रक्चरल टाइप्स, दूसरे कॉलम में उसके एग्जांपल्स लिख दी, तो आपको ये ध्यान रखना है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, दीज आर मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स इन योर बॉडी, दे आर मल्टीपोलर। ज्यादातर न्यूरॉन्स हमारे शरीर में मल्टीपोलर हैं, जिसमें एक सेल बॉडी, बहुत सारी एक्सटेंशंस, एक लॉन्ग एक्सॉन। सो इट्स रिटन मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैव मोर देन टू प्रोसेसेस, देयर इज अ सिंगल एक्सॉन एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स। राइट बेटा, क्लियर है इतनी बात? मैं फिर से आपके चैट की तरफ आ रहा हूं, देखता हूं कोई क्वेश्चन है आपका या आप कुछ पूछना चाहते हैं। सर व्हाई द ग्रे एंड द व्हाइट मैटर आर डिफरेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? ओके, पार्थो ने क्वेश्चन पूछा है। बेटा ये अरेंजमेंट आप तब समझ पाएंगे जब हम स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर समझेंगे। व्हेन आई विल डिस्कस द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आई विल शो यू द सेक्शनल व्यूज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स कुछ इस तरह से है जिसके कारण ग्रे एंड व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट अलग तरह से नजर आता है। तो उसके लिए हमें ब्रेन के सेक्शन sections काटने होंगे, spinal cord का transverse section काटना होगा. That is not a part of this chapter. That will discuss in neural control and coordination. Next slide पे बढ़ रहा हूं जी. Types of neurons on the basis of function. जल्दी से जान लेते हैं. तीन तरह के न्यूरॉन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. देयर आर सेंसरी न्यूरॉन्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड अफरेंट न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और द इफरेंट न्यूरॉन्स. तीसरे हैं इंटर न्यूरॉन्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन्स और द रिले न्यूरॉन्स. डायग्राम में आप देख पा रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन का काम है सेंसेशन लेकर के आना. सपोज आपने मेरे हाथ पे कोई पिन चुभ हुई, आई कैन फील दिस सेंसेशन, सो सेंसरी न्यूरॉन इज कैरिंग दैट मैसेज. मोटर न्यूरॉन आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से इस मसल की तरफ, एंड आई मूव माई मसल अवे. क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था ना रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में. सो रिफ्लेक्स सेक्शन में हमने यही तो पढ़ा था, सेंसरी न्यूरॉन इज कैरिंग अ मैसेज, एसोसिएशन न्यूरॉन कनेक्ट्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. तो ये मोटर न्यूरॉन है जो मसल की तरफ जा रहा है. आप देखिए सेंसरी और मोटर को आपस में जोड़ने वाला क्या है, इंटर न्यूरॉन और द एसोसिएशन न्यूरॉन. मैक्सिमम इंटर न्यूरॉन्स होते हैं और इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मल्टीपोलर होते हैं. क्लियर फंक्शन के आधार पे, राइट. माइलिन शीट के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे अगर हमसे पूछा जाए तो भी हम कह सकते हैं कि दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स विच हैव माइलिन शीथ, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स विच डू नॉट हैव माइलिन शीथ. हमारी बॉडी में दोनों तरह के न्यूरॉन्स हैं. थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा कि माइलिन शीथ की शुरुआत क्यों हुई. अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करें जैसे सिफेलोपॉड्स, मोलस्का फाइलम में आते हैं एनिमल्स, मोलस्क्स में जो रिस्पॉन्सेज हैं बड़े क्विक होते हैं. ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड्स हो गए, दे हैव वेरी क्विक रिस्पॉन्सेज, दे हैव वेरी थिक एक्सॉन्स, वेरी थिक नर्व्स. जितना ज्यादा मोटा एक्सॉन होगा, लार्जर द डायामीटर, इंपल्स कंडक्शन इज फास्टर. बट सच थिक axons cannot be accommodated in the human body. The body also needs to be bigger accordingly. So nature has replaced this thing with the formation of myelin sheath. When myelin sheath is present, impulse transmission is faster because of that saltation. Right? Okay, आगे बढ़ रहे हैं. Next slide. चलिए, अब हम आ गए हैं muscular tissue पे. Neural tissue is over. Now we are starting with muscular tissue. Study of muscles is myology. Muscular tissues, majority of the muscles are mesodermal in origin. Muscular tissue तीन तरह का होता है. देखिए बेटा जी, there are skeletal muscles, these are striated or striped. Skeletal muscles voluntary होते हैं, आपके conscious control में हैं. दूसरे हैं cardiac muscles, वो भी स्ट्राइटेड है, देखने में वो भी स्ट्राइप्ड है. जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको स्ट्राइटेड मसल्स में ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं जो कि मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स के अरेंजमेंट के कारण होते हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्राइटेड कहते हैं. तीसरे तरह के मसल्स हैं स्मूथ मसल्स, द अदर नेम इज नॉन स्ट्राइटेड और अनस्ट्राइप्ड, राइट. इसमें से जो स्केलेटल मसल्स हैं वो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में हैं, आप उन्हें अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं. लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं एंड स्मूथ मसल्स हैं वो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम उन्हें इनवॉलंटरी कहते हैं. सो मैं ये कह सकता हूं दैट कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलंटरी, स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी. इतनी बात क्लियर है. मस्कुलर टिश्यू तीन तरह का है, कौन कौन सा, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स. स्केलेटल को स्केलेटल मसल कहते क्यों हैं, क्योंकि वो आपके स्केलेटन यानी आपकी हड्डियों के साथ यानी बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं. क्या आप मुझे बता सकते हैं मसल और बोन को कौन सा टिश्यू जोड़ता है आपस में? कम ऑन क्विकली, द मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय विच टिश्यू? कम ऑन क्विक क्विक. स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप्ड, ये जवाब दिया इकरा ने, बिल्कुल सही है. माई क्वेश्चन इज skeletal muscles are connected to bones by a tissue. Name that tissue. Come on quickly. Dilip, Priya, Dhiman, Sonu. Skeletal muscles are connected to bones. Oh, wrong answer. You are saying cartilage. No, Dipanshu. Galat. Bilkul galat jawab hai. It is not cartilage. Come on quickly. Who can give the right answer? Amisha has given the right answer. Great. Okay, Tanushri, great, great, great. Tendons, good, 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 good. Very good, very good. Answers flood ho gaye. That's great. So skeletal muscles are connected to bones by tendons, right? तीन तरह के मसल का क्लासिफिकेशन समझ आया. इनको स्ट्राइटेड कहते क्यों हैं? स्ट्राइएशंस कहने का कारण है कि जब आप इन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वहां पे आपको ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आएंगे. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. चलिए, ये डायग्राम मैंने एज इट इज एनसीईआरटी में से लिया है. अब आपको ये चीज फैमिलियर हो जाएगी कि ये जो हमने क्लास में पढ़ा ये एज इट इज एनसीईआरटी बुक में है, राइट? सो इससे ये फायदा हो जाएगा आपको कि जब आप एनसीईआरटी में से वो चीज देखेंगे द थिंग्स विल अपीयर फैमिलियर टू यू, आपको और ज्यादा आसानी सुविधा हो जाएगी उस चीज को समझने के लिए। देखिए बेटा जी, ये तीन तरह के मसल्स आपके सामने हैं, ये स्पिंडल शेप दिख रहे हैं आपको, ये वाले ब्रांच दिख रहे हैं। जो ब्रांच दिखते हैं ना वो कार्डियक होते हैं, ध्यान रखना। न्यूक्लियस का भी खास ध्यान दीजिएगा, स्केलेटल मसल फाइबर्स जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे मायोब्लास्ट सेल्स की फ्यूजन से बनते हैं। तो तीनों तरह के मसल्स को पहले पहचान लीजिए अच्छे से, राइट? क्वेश्चन सिर्फ ऐसे भी फ्रेम हो सकता है, ये तीन तरह के मसल्स दिए हुए हैं ए बी सी करके, तो आपको बताना होगा कि ए कौन से हैं, बी कौन से हैं, सी कौन से हैं। जो स्मूथ मसल्स हैं वो फ्यूजी फॉर्म या स्पिंडल शेप्ड होते हैं। पहला लाइन पढ़ता हूं यहां पे जो लिखा है आपके लिए, स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स। किस चीज के साथ? टेंडन के साथ। In a typical muscle such as the biceps, skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. Biceps जैसे हो गए आपके वो skeletal muscles हैं, triceps, calf muscles ये सब skeletal muscles हैं। A sheath of connective tissue encloses several bundles of muscle fibers. अभी हम मसल का डेवलपमेंट देखते हैं, उसमें आप जानेंगे कि मसल फाइबर्स का जब बंडल बन जाता है उसे मसल फैसिकुलस कहते हैं। उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, एक इंडिविजुअल मसल फाइबर के चारों तरफ भी कवरिंग होती है, एंडोमाइसियम। बहुत सारे मसल फाइबर्स का बंडल बना, दैट इज कॉल्ड मसल फैसिकुलस। उसके बाहर कवरिंग पेरीमाइसियम। जैसा आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, एपीन्यूरियम बताया था, वैसा ही यहां है, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम। ठीक है जी, तीनों डायग्राम्स आप पहचान सकते हैं अच्छे से। आगे बढ़ रहा हूं मैं, स्केलेटल मसल, ये देखिए ये बोन दिखाई गई है बेटा, बोन के साथ स्केलेटल मसल अटैच्ड है, किस चीज से? टेंडन से, राइट? सो टेंडन्स आर कनेक्टिंग मसल्स विद बोन्स। दिस इज वन मसल, मसल का सेक्शनल व्यू काट के दिखाया है आपको, यहां पे बीच बीच में ब्लड वेसल्स भी दिखाई गई हैं, सबसे अंदर दिखाया है ये मसल फाइबर। दिस इज वन इंडिविजुअल मसल सेल, वन मसल सेल इज वन मसल फाइबर, इट कैन बी अप टू 30 to 40 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, राइट? A bundle of muscle fibers is called muscle fascicle, which is covered by perimysium. An individual muscle fiber is covered by endomysium. फिर बहुत सारे muscle fasciculus से मिल करके पूरा muscle बनता है, which is covered by epimysium. डायग्राम को ध्यान से समझना है, राइट? लेक्चर ओवर होने के बाद भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे, उन्हें आपने विद इन 24 आवर्स जरूर रिवाइज करना है। जो भी चीज आप विद इन 24 आवर्स रिवाइज करेंगे वो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी, फॉर श्योर याद रहेगी। चलिए पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या लिखे हैं। दीज आर अटैच्ड टू बोन्स बाय टेंडन्स, दे आर स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री स्केलेटल मसल फाइबर्स ऑल्सो प्रेजेंट इन। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्केलेटल मसल भाई स्केलेटन के साथ तो जुड़े हैं, शरीर में कहीं और भी तो प्रेजेंट होंगे, और कहां कहां प्रेजेंट हैं? आपकी जुबान, आपकी टंग, ये भी तो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है ना। सो टंग मसल्स आर स्केलेटल मसल्स। मसल्स ऑफ द फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर वर्ड का मतलब होता है रिंग ऑफ मसल्स। जैसे मैंने अपने हाथ में ये घड़ी पहनी है सर्कुलर वे में, तो स्फिंक्टर की तरह काम करेगी। अगर स्फिंक्टर क्लोज हुआ तो दोनों तरफ का फ्लो रुक जाएगा। स्फिंक्टर एंड वेल्व डिफरेंट होते हैं, आप अगली क्लास में मुझे बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फिंक्टर एंड वेल्व। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फिंक्टर एंड वेल्व। तो मैंने यहां पे बताया कि ये जो मसल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन टंग, दीज आर प्रेजेंट इन फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, एंड इवन योर डायफ्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड पार्टीशन विच सेपरेट्स योर थॉरेक्स फ्रॉम योर एब्डोमेन। डायफ्राम अपने आप अप डाउन मूव कर रहा है और आप सांस ले पा रहे हैं, तो शायद आप सोचें कि ये इनवॉलेंट्री है, ऐसा नहीं है। डायफ्राम इज अ स्केलेटल मसल, इट्स अ शीथ ऑफ स्केलेटल मसल विच इज रेगुलेटेड इनवॉलेंटरली बाय द मेडुला ऑफ योर ब्रेन। हम जब चाहे अपना सांस रोक सकते हैं ना, चाहे थोड़ी देर के लिए आप रोकें, राइट? कुछ सेकंड्स के लिए आप अपना ब्रेथ होल्ड करें, दैट मीन्स इट इज अ स्केलेटल मसल, दैट्स व्हाई यू हैव वॉलेंटरी कंट्रोल ओवर डायफ्राम। क्लियर? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक चीज ध्यान से देखिए, एंट्री टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एग्जिट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज स्केलेटल मसल्स, सो इट इज अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द एनिमल दैट व्हाट गोज इनटू द सिस्टम एंड व्हेन इट हैज टू कम आउट. External anal sphincter is also voluntary. It has skeletal muscle. Just imagine if the external anal sphincter is having smooth muscles which are involuntary, then obviously the passing out of the feces or defecation will not be under the voluntary control of the animal. Is it clear? The same applies to the external urethral sphincter. Urethra से urine flow out करता है. कब यूरिन पास आउट होना है और कब नहीं होना है ये एनिमल के वॉलंटरी कंट्रोल में है, क्योंकि नेचर ने यहां पे स्केलेटल मसल्स दिए हैं. राइट, लोकेशन अबाउट द स्केलेटल मसल्स क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे डॉक्टर्स? राइट, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे भारत का भविष्य. ग्रेट, अमीषा ने जवाब दिया वेल डू नॉट अलाउ द बैक फ्लो बट द स्फिंक्टर कैन अलाउ द बैक फ्लो. ग्रेट डॉक्टर अमीषा, फुल मार्क्स टू यू. ग्रेट जी, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं. स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं. ये एक मसल है, मसल के अंदर ये मसल फैसिक्यूलस है, मसल फैसिक्यूलस के अंदर मसल फाइबर्स हैं. एक मसल फाइबर को एनलार्ज करके आपके सामने दिखाया गया. पहले था मसल, मसल के अंदर मसल फैसिक्यूलस, फैसिक्यूलस के अंदर मसल फाइबर, फिर देखिए फाइबर को भी एनलार्ज कर दिया. यहां पे मसल फाइबर हैज व्हाट? मायोफाइब्रिल्स. मायोफाइब्रिल के अंदर क्या है? मायोफिलामेंट्स. मायोफिलामेंट्स दो तरह के हैं, मायोसिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स. क्लियर हुआ जी? मसल, मसल के अंदर मसल फैसिक्यूलस, फैसिक्यूलस के अंदर मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स दो तरह के, मायोसिन एंड एक्टिन. राइट, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल्स बनते कैसे हैं? एक एम्ब्रियो जब मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, उसमें मसल बनाने वाले सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मायोब्लास्ट्स. सो मायोब्लास्ट्स आर मसल फॉर्मिंग सेल्स इन एन एम्ब्रियो. बहुत सारे मायोब्लास्ट आपस में फ्यूज कर जाते हैं. मेनी मायोब्लास्ट दे फ्यूज to form a single elongated cylindrical structure which is called muscle fiber. So हम देखेंगे myoblast की fusion से बना ये वाला cell which is muscle fiber. It can be up to 30 to 40 centimeters long. Now, because it is formed by fusion of many cells, so obviously it has many nuclei. It is multinucleated. ध्यान रखना है, skeletal muscle fibers are multinucleated. Nuclei are located towards the periphery. ये जो हमको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये nucleus होता है. Right? Skeletal muscle fibers are multinucleated. चलिए, ये points पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए. Many myoblasts fuse to form a single muscle cell called muscle fiber or myocyte. Muscle fiber कह दीजिए, myocyte कह दीजिए, एक ही बात है. Skeletal muscle fibers are multinucleated and are covered by endomysium. Many muscle fibers group to form muscle fasciculus covered by perimysium. Many muscle fasciculi group to form muscle which is covered by epimysium. याद हो गया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्विकली लिख के बताता हूं. देखो मैंने आपको क्या बताया, एम्ब्रियो में मसल बनाने वाले सेल्स होते हैं मायोब्लास्ट्स. Many myoblast fuse to form a single elongated cell called muscle fiber. Many muscle fibers they group to form muscle fasciculus. Many muscle fasciculi group to form muscle. सेम चीज हमने न्यूरॉन में भी पढ़ी थी, नर्व फाइबर, नर्व फैसिकुलस, नर्व. सेम चीज यहां भी है, मायोब्लास्ट, मसल फाइबर, मसल फैसिकुलस, मसल. क्लियर? बिल्कुल सिंपल. पिछली वाली स्लाइड अगर आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी लग रही थी तो मैंने देखिए आपके लिए एक मिनट में ये चीज आपके सामने लिख दी है. रिवाइज कर लेना है इसको 24 आवर्स के भीतर ताकि ये याद रहे. ओके जी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल। हालांकि इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना मूवमेंट एंड लोकोमोशन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें ये सारी चीजें फिर से दोबारा और डिटेल में होंगी। आप देख सकते हैं एक मसल फाइबर के अंदर से मायोफाइब्रिल निकाला है और मायोफाइब्रिल में ये जो ऐसे ऐसे धारियां स्ट्राइशंस आपको नजर आ रही हैं ये लाइट एंड डार्क बैंड्स बनाती हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ये प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रोटीन्स। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इज फॉर्मिंग ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और उसी कारण ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती है। सिंपल। चलिए थ्योरी पार्ट देखते हैं। अ मसल फाइबर हैज मेनी मायोफाइब्रिल्स, अ मायोफाइब्रिल हैज मेनी मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, थिक मायोसिन एंड थिन एक्टिन। याद रखना है मायोसिन वाली मोटी है, एम से मायोसिन, एम से मोटा, ऐसे याद रख लो। चलो, मायोसिन फिलामेंट्स आर थिक फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स आर थिन फिलामेंट्स। Arrangement of myosin and actin filaments produces alternate light and dark bands, जिस वजह से ये striated appearance होता है। Right बेटा जी, clear? कोई doubt, कोई question, comments आते रहने चाहिए आपके साथ के साथ। Great, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। Skeletal muscles over, next is smooth muscles। स्मूथ मसल आपके सामने हैं, दे आर स्पिंडल शेप्ड, ये इस तरह से शेप बना हुआ ना, ये फ्यूजी फॉर्म कह देते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स एनसीईआरटी की लाइंस हैं, टेपर एट बोथ एंड्स और इसे फ्यूजी फॉर्म या स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। स्पिंडल एक ऐसी चीज होती है जो सेंटर में से मोटी और किनारों में से पतली। दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड डो नॉट शो स्ट्राइशंस, इनमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर नहीं आते हैं। These are यूनिन्यूक्लिएट, इनमें सिंगल न्यूक्लियस है, स्केलेटल वाले मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। They are unstriped, स्ट्राइशंस नहीं है। Involuntary, ये आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, आप इन्हें अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते। तो ये कैसे रेगुलेटेड हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं? These are under the control of autonomic nervous system। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, आप पढ़ेंगे हर क्लासेस में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्राइन मसल्स। ऐसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, इट इनहिबिट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। जैसे स्क्रॉटम में देयर आर डार्टॉस मसल्स, स्पर्मेटिक कॉर्ड हैज क्रिबेस्टर मसल्स, राइट? यू नो द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रॉटम बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर। तो वहां पे जो स्मूथ मसल्स हैं वो टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, राइट बेटा? We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do for the skeletal muscles. These experience maximum stretching in the body. ये बात जरूरी है, maximum stretching, maximum खिंचाव जो महसूस करते हैं हमारे शरीर में, जो एक्सपीरियंस करते हैं मसल्स, they are smooth muscles. ये कॉन्ट्रैक्ट होने में भी स्लो है और रिलैक्स होने में भी स्लो है, ये बात इंपॉर्टेंट है। These are slow in contraction as well as रिलैक्सेशन। ऐसा क्यों है ये हम पढ़ेंगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, राइट बेटा? स्मूथ मसल में क्या याद रखना है? स्पिंडल शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएट, नॉन स्ट्राइटेड एंड दे आर नॉट ब्रांच्ड। ब्रांचिंग वाली बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी हम कार्डियक मसल्स पढ़ेंगे, उनमें ब्रांचिंग होती है, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। स्मूथ मसल्स दो तरह के होते हैं, सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट। जैसा कि आप पिछली स्लाइड में देख भी पा रहे थे, ये विसरल सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं। विसरा इज रेफरिंग टू योर इंटरनल ऑर्गन्स। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल सारे के सारे आपस में जुड़े हैं, दे हैव लॉट मेनी गैप जंक्शंस और वो एक कंप्लीट यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं, इसमें हर स्मूथ मसल का अपना अपना एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ये पीले रंग से जो दिखाए गए ये न्यूरॉन्स हैं, राइट? सो इनमें आपस में बहुत कम गैप जंक्शंस हैं, ये नो गैप जंक्शंस। सो सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट दो टाइप्स हैं स्मूथ मसल्स के। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स को विसरल मसल्स कहते हैं। विसरा इज रेफरिंग टू योर इंटरनल ऑर्गन्स। It is found in tubular arrangement that forms part of the wall of small arteries, जो hollow tubules हैं हमारी body में, veins, hollow organs such as your stomach, small and large intestine, uterus, urinary bladder. The fibers connect to one another by gap junctions, forming a network through which muscle action potentials can spread. तो जो सिंगल यूनिट है, जैसा हमने पिछले डायग्राम में देखा, जैसे कि मान लीजिए ये एक मसल फाइबर ऐसे दिखा रहा हूं, ये एक एडजेसेंट मसल फाइबर है इसका, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं एक यूनिट की तरह, इनमें बहुत सारे जंक्शंस हैं आपस में, ओके, और एक न्यूरॉन है जो इनको सिग्नल्स सप्लाई कर रहा है, से दिस इज न्यूरॉन, और यहां पे इनका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है, दीज आर सिंगल यूनिट मसल्स, ठीक है। अब देखते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल फाइबर्स, इसमें अलग अलग फाइबर्स है, ईच विद इट्स ओन मोटर न्यूरॉन टर्मिनल्स एंड विद फ्यू गैप जंक्शंस बिटवीन नेबरिंग फाइबर्स। जैसा कि आपको बना के दिखाता हूं, मान लीजिए ये एक मसल फाइबर है और ये दूसरा मसल फाइबर है और ये एक तीसरा मसल फाइबर है, ठीक है, जो अलग अलग है एक दूसरे से, हो सकता है थोड़े बहुत जंक्शंस हो इनमें या फिर बिल्कुल ही ना हो। सो मल्टी यूनिट अलग अलग हैं और ये वहां प्रेजेंट होंगे जहां बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट कंट्रोल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ योर हेयर फॉलिकल्स, स्किन के जो बाल हैं, बालों की जड़ों के नीचे ये मसल्स हैं, अरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर फॉलिकल्स। देखिए हमने यहां पे बोल्ड भी करा है, अरेक्टर पिलाई मसल्स दैट अटैच द हेयर फॉलिकल्स इन द मसल्स ऑफ आइरिस, आंख में आइरिस है जो कि प्यूपिल को बड़ा या छोटा करता है, आइरिस के अंदर प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल का डायमीटर चेंज होता है इन रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सीलरी बॉडी दैट एडजस्ट द कर्वेचर ऑफ द लेंस। सो जहां भी शरीर में बहुत प्रिसाइज एक्यूरेट कंट्रोल चाहिए वहां पे आपको मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स मिलेंगे, ठीक है, क्लियर आ रहा है, ग्रेट, ओके, वेरी गुड। अभी तक लिगामेंट्स पे क्यों अटके हुए हैं, बीच बीच में लिगामेंट का जिक्र हो रहा है, मैं क्विकली बता देता हूं। स्मूथ मसल्स में घबराना नहीं है कि सर ने पता नहीं कितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, एम्स एंड जिपमेर के हिसाब से ये बात इंपॉर्टेंट है, सिंगल यूनिट मल्टी यूनिट, सादी सी बात है, सिंपल बात है, सिंगल यूनिट मींस एक बंडल की तरह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टी यूनिट मतलब अलग अलग है, इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिंगल यूनिट में आपस में बहुत सारे गैप जंक्शंस हैं, मल्टी यूनिट वाले अलग अलग फाइबर्स हैं, दे हैव ईदर नो गैप जंक्शंस और वेरी लेस गैप जंक्शंस, ईच एंड एवरी मसल फाइबर इज सप्लाइड बाय वन पर्टिकुलर न्यूरॉन, वहां पे पूरे का पूरा बंडल इज सप्लाइड बाय वन पर्टिकुलर न्यूरॉन, राइट, लोकेशन इनका और लोकेशन उनका दोनों याद रखना है आपको, ओके जी, बने आगे डॉक्टर्स, फुल एनर्जी है ना, ग्रेट। लास्ट तरह के मसल्स कार्डियक मसल्स, कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट, कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, आपके दिल में जो इस समय धड़क रहा है आपका हार्ट, इसमें कार्डियक मसल्स प्रेजेंट हैं। सो कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, कार्डियक मसल्स की ब्यूटी ये है बेटा कि दिल सारी उम्र धड़कता है पर थकता नहीं है। कार्डियक मसल्स दे यूज फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी, कार्डियक मसल्स थकते नहीं हैं, अगर मसल्स थक जाएंगे इफ द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। कार्डियक मसल टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रेजेंट इन द हार्ट वॉल, हार्ट की वॉल की ये लेयर होती है मायोकार्डियम, हार्ट के स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे 3 लेयर्स होती हैं, सबसे अंदर एंडोकार्डियम जहां पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं एंडोथेलियम, मिडल मस्कुलर लेयर विच इज मायोकार्डियम, और उसके बाहर पेरिकार्डियम जिसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, सीरस की भी फर्दर लेयर्स होती हैं पैराइटल एंड विसरल, वो हम पढ़ेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर में। तो यहां पे इतना याद रखना है कि कार्डियक मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ हार्ट दैट इज मायोकार्डियम। स्ट्रक्चर भी देख करके पहचानना है, बीच बीच में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ब्रांच्ड, कार्डियक मसल फाइबर्स आर ब्रांच्ड, न्यूक्लियस सिंगल है, दे आर यूनिन्यूक्लिएट बट दे अपीयर टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखने में ऐसा लगता है, दीज आर स्ट्राइटेड, इनमें स्ट्राइशंस होते हैं, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं, सिंगल न्यूक्लियस है जी, देखिए लिखा है, ब्रांचिंग पैटर्न है, ये बात इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क बना रहा हूं यहां पे, दे आर इनवॉलंटरी, कार्डियक मसल फाइबर्स आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, हार्ट के ही अपने कुछ मसल फाइबर्स मॉडिफाई हो जाते हैं एंड दे फॉर्म पेसमेकर। पेसमेकर वर्ड सुना है ना आपने, शरीर का नेचुरल पेसमेकर कौन सा होता है, चलिए बताइए, क्वेश्चन आ गया, व्हिच इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ योर हार्ट, जल्दी से बताइए, हां जी, प्रियांजलि कश्यप, सुधीर श्रीवास्तव, ऐत्रेय, तेजश्री, कल्पना, दिलावर। कार्डियक मसल फाइबर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा, विच इज द नेचुरल पेस मेकर इन योर बॉडी, जिसके कारण आपका दिल धड़क रहा है, जहां से कार्डियक इंपल्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं और आपके पूरे हार्ट के कार्डियक मसल फाइबर्स में फैल रहे हैं। कम ऑन क्विकली आंसर। इंटरकैलेटेड डिस्क आपने बताया है, उस पर अभी मैं आ रहा हूं। इंटरकैलेटेड डिस्क एडजेसेंट कार्डियक मसल फाइबर्स के बीच में है, विच अलाउज द क्विक स्प्रेडिंग ऑफ कार्डियक इंपल्स। माय क्वेश्चन वाज, आई थिंक वन स्टूडेंट हैज रिप्लाइड राइट, इट्स रूमी यादव, ग्रेट। SA node, so this SA node का फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल नोड। So this साइनोएट्रियल node, it is the natural pacemaker of your heart। यहां से निकलने वाली कार्डियक इंपल्सेस आपको, आपके हार्ट को बीट कराती हैं। So ये pacemaker किस चीज से बना है? Sometimes you get this question, SA node is made up of modified cardiac muscle fibers। जो आपका SA node है, आपके हार्ट का pacemaker है, that is made up of modified cardiac muscle fibers। ध्यान रखना है, SA node is made up of modified cardiac muscle fibers। ठीक है जी। So their lipid content is high and these use fatty acids for energy। They do not get Fatigued, आपका दिल थकता नहीं है, थकना भी नहीं चाहिए। ओके, ना ही आपको थकना चाहिए। जल्दी से एक दो पॉइंट्स और उसके बाद सेशन वाइंड अप करेंगे। द कम्युनिकेशन जंक्शंस कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क्स एट सम फ्यूजन पॉइंट्स allow the cells to contract as a unit। आप देखिए, ये कार्डियक मसल फाइबर्स को मैंने एक enlarged व्यू में आपको दिखाया है कि इनके बीच में ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। जैसे ये एडजेसेंट कार्डियक मसल फाइबर्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स। These discs contain desmosomes, ये हम पढ़ेंगे जब हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, which hold these fibers together and gap junctions also, which allow the muscle action potential to spread from one cardiac muscle fiber to another। The beauty of the cardiac muscle fibers is कि adjacent fibers के बीच में intercalated disc है and they allow quick spreading of cardiac impulse। Is it clear? Right? Okay guys, उसके बाद हमारे पास आपके लिए हैं DPP यानी द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिसमें एनिमल टिश्यू एज अ होल, पिछली क्लास में भी हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, इस बार भी करी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये शीट आपके साथ शेयर हो जाएगी क्लास के बाद, और ये आपको करने हैं क्वेश्चंस। आप टेलीग्राम ऐप पे या यूट्यूब में कमेंट्स में भी आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। हाँ जी, जल्दी से पूछिए, आपको कुछ नहीं समझ आया है, कोई क्वेश्चन है आपका। आपने कहा पेस सेटर क्या होता है, डॉक्टर अदिति चौहान, पेस सेटर क्या होता है? एसए नोड इज पेस मेकर, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज द पेस सेटर। एसए नोड से आने वाली इंपल्सेस एवी नोड तक पहुंचती हैं, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर्स उसे पूरे हार्ट में स्प्रेड करते हैं। ये चीज हम पढ़ेंगे जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इन द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। कम ऑन, जल्दी से, अगर आपको सब कुछ समझ आया है थम्स अप भेजिए, और अपने प्यारे प्यारे हार्ट्स और कैंडीज एंड रोजेज जो भी आप भेजते हैं, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड हो। फिर से वो बात दोहराऊंगा, स्प्रेड पॉजिटिव एनर्जी, यू विल गेट पॉजिटिव एनर्जी। बाकी लोगों के लिए अच्छा कीजिए, आपके साथ अच्छा होगा। वीडियो अपलोड होते ही, खत्म होते ही, आप प्रॉमिस कीजिए कि कम से कम 20 लोगों के साथ, अपने 20 फ्रेंड्स के साथ ये चीज शेयर करेंगे, एंड यू विल सी दैट पॉजिटिव थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग टू यू। डू नॉट लेट एनी नेगेटिव थॉट कम इनटू योर माइंड। अगर हम अपने शरीर के लिए अच्छा भोजन चाहते हैं तो अपने दिमाग को भी अच्छे थॉट्स दीजिए, यहां भी अच्छी खुराक डालिए, तभी ये आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा, आपके लिए अच्छा सोचेगा। गिव गुड फूड टू योर ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। डू नॉट कीप ऑन रिपीटिंग नेगेटिव थिंग्स इन योर माइंड, योर बॉडी विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग दैट, राइट? इट्स अ नेचुरल फिनोमिना। आने वाली क्लासेस में मैं आपको न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कोई लेक्चर आप मिस नहीं करेंगे, इस चीज का प्रॉमिस रखिए। आज आपने वादा किया है मेरे साथ दैट यू आर going to spread this video to 20 more people so that 20 positive things will happen to you। Is it clear? विदा ले सकते हैं जी आपसे, इजाजत है आपकी। Okay जी, नमस्कार, bye bye, see you in the next class, same time, same channel, bye bye।